जी नवी समस्या ये पैदा होगी कि जिहड़े पिंड का बच्चा कभी देश से किसी भी तरीके विदेश जा वड़दा है जी जी अच्छा सब एजेंट बन जाते अच्छा ठीक है जी सब एजेंट बन जाते हैं जी जो अभी खर्च किया वो कट लीए आपके किसी आंधी गुआढ़ी को या किसी भोले भावे बंदे जिसको उन्होंने आपका केस बनाया होंगे वे आपकी परसेंटेज रख के जी बिल्कुल अपन लाए हाँ जी बिल्कुल लेना भी जी दसो जमा आप दे क्लाइमैक्स ते सीगा स्टडीज ते जाली एक्सपीरियंस बनाया अच्छा जी जाली एक्सपीरियंस बनाया काम करन दा शो कीता जो भी फाइल रिएक्ट हो गई 9 महीने च अच्छा जी 8वें महीने दे विच ओदे तो 13,83,000 रुपए ले ले अपने बिंदे दे एजेंट ने ओदा भी नाम नहीं ले सकदा जी जी ते 8वें महीने दे पैसे ले ले ते 9वें महीने दे विच ओदा वीजा हो गया रिएक्ट मेरे को रिजेक्शन की कॉपी भी पई है मैं जी देखे जमदोड़े ऑफिस दे विच जी जी ते जो रिजेक्शन हो गई जी ते पैसा नु एक दवानी नी वापस कीती हां जी वो बंदा बड़ा अपसेट जे रहन लग गया ते गहां दी गहां मेरे को अप्रोच कीती ता तुम्हें पता ही है मैं आपदे दोस्तां राही उहदी हेल्प कीती जी जी बाद च मैनू पता लग्या कि 6 मुंडे होर इहो जे फसे बैठे सी जिन्हां दा 13,83,000 रुपए लै चुके छह बंद तो बहुत बहुत मेहरबानी जी गुरप्रीत जी थोड़ी शुक्रिया इनपुट्स देने के लिए मेहरबानी धन्यवाद मैं इस ऐड ऑन करना चाहूंगा जी ने कहा कि आईलैट्स का काम करते हैं तो वो एजेंटी नहीं कर सकते वो बिल्कुल सही कहते जो नवा कानून आ उस कानून के अनुसार तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा जे वीजे का काम तुम आईलैट्स का काम करना तुम्हें वक्रा लाइसेंस चाहिए तुम टूरिस्ट विजिटर का काम करना तुम्हें वक्रा लाइसेंस चाहिए तुम इमीग्रेशन का यानी तुम बच्चों विदेश पढ़ने लिए भेजना है फाइलिंग करनी तुम्हें उसके लिए वक्रा वक्रा करना पड़ेगा हूँ दूजी पीआर का करना वक्रा करना यह 4-5 तरह की कैटेगरीज बनाई गई हूँ जी वक्री इन्होंने गल एक होर कही कि 13,83,000 होर लाभ बच्चा को लिया और एक केस जरा डिस्कस करते 13,13,00,000 रुपये लिया इतने मैं जेडे भी दर्शक देख रहे उन्होंने कहना चाहता कि सब तो पहला एक चीज पल्ले बन लो जी जी ठगी तुहाडे नाल उदन होनी है जिदन तुसीं किसी एजेंट नूं कैश पैसा दिता बस स्टूडेंट वीजा ते तुसी बाहर जाना है तुसी कनेडा दी गल कर लो दो चीजा मेन भेजने पैंदियां एक तां जीआईसी अकाउंट एक तुसी फीस भेजनी हुंदी है कोई एजेंट कहिंदा साल दी फीस भेज दो कोई कहिंदा 2 साल दी फीस भेज दो कोई कहिंदा 6 महीने दी फीस भेज दो जिद्दण तुसी फीस अपने खाते तो फॉरेक्स के खाते भेजनी शुरू करती या फ्लाईवायर के थ्रू कनेडा भेजनी शुरू करती उदन पैसे ठगी नहीं होनी ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਬੱਚਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਫੀਸ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਏਜੰਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਫਸੇ ਆਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਸੋ ਕੈਸ਼ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਨ ਏਅਰ ਕਿੱਥੋਂ